अस्सलाम वालेकुम, किचन में ज़ुमर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ्ड राइस केक, जिसे मुरमुरा या पंजाबी में बरूंडा भी बोलते हैं। ये बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। चले आएँ घर में ये दो चीज़ों से कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। पहले हम डालेंगे इसमें मुरमुरा, तो हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसमें जो नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और इसमें कुरकुरापन आ जाए। तो ये काम हम लो फ्लेम पर करेंगे 3-4 मिनट के लिए, बराबर चम्मच चलाते हुए। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ज़रा ठंडा हो जाए। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और उसे मेल्ट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ मैंने 3 और 1 के हिसाब से लिया है। अगर मैं 3 कप मुरमुरा लेती हूँ मुरमुरा, तो 1 कप मैं इसमें गुड़ डालूँगी। अगर आप गुड़ ज़रा कम ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसे मैं पानी में डाल के चेक करूँगी, अगर तो ये कुरकुरा हुआ तो इसमें डाल लेंगे पफ्ड राइस। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसमें ये डालेंगे सारी पफ्ड राइस और लगातार चम्मच चलाएँगे ताकि ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे और इसे अच्छे से फैलाएंगे। और अब इसके हम छुरी की मदद से इसके पीस कर देंगे ताकि जब ये ठंडा हो तो ये आसानी से इसके पीस हो सके। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मुरुंडा तैयार हो गया है। ये बहुत क्रिस्पी है। आप इसे 2-3 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं।